साथी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल वी स्वाति ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, मैंने पकोड़े तले हैं, ये बनाए थे बेटे के टिफिन के लिए स्कूल के, तो कुछ बैटर रह गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना आज पकोड़े से ही शुरुआत की जाए मेरे दिन की। इस तरह से अगर हर दिन की शुरुआत हो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है पकोड़े के साथ चाय, तो आज के दिन की शुरुआत इसी से करते हैं। कुछ नहीं है इस जीवन में इस पकोड़े के अलावा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये बेसन के पकोड़े नहीं है, ये आटे से ही बने हुए पकोड़े हैं। खत्म और चाहिए। ये बाबा के पापा का ब्रेकफास्ट है। क्या कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, मेरे लिए भी है ब्रेड और स्वैन ट्रांस की सब्जी। देखिए मैंने कितने खूबसूरती सजाया है, और इसमें अगर थोड़ा सा और सॉस प्याज डालता तो और भी अच्छा लगता, लेकिन मुझे आज सॉस प्याज खाने के मन नहीं है तो इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। देखिए तो दोस्तों, दोपहर का लंच बनाना कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने देखा है सोया चांस की सब्जी मैंने बनाई थी, उसके बाद मैंने बनाया है ऑमलेट अंडा करी, और उसके बाद दाल। हाँ, तो अभी लगभग एक बज चुके हैं, 1:30 बजे तक बेटा आ जाएगा। आया नहीं है तो जल्दी से नहा लेती हूँ, बेटे के आने का इंतजार करूंगी उसके बाद, और तब तक छोटे मोटे अगर कोई काम हो तो घर का कर लूंगी। तो आज खाने में है सोयाबीन करी, अंडा करी और दाल चावल के साथ, और मेरे साथ मेरा बेटा भी खा रहा है। वो आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, लेकिन वो है खाना खा रहा है। अंडा करी बहुत अच्छा बना। तो बेटे यहाँ पे दिवाली के लिए लाइटिंग जो होगा उसकी तैयारी उसने शुरू कर दिया है, और सजाने के बाद कैसा लगता है मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगी। हाय मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है बोले तो कहा। तो दोस्तों, हो चुकी है शाम, बाहर हो चुका है अंधेरा, और मैंने अपनी चाय पी ली है। बेटे गया था पढ़ने लगभग 4:30 बजे, 6 बजे आया, और फिर उसने अपने आप पास्ता बनाया और खा लिया। वो कुछ भी मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं एडिटिंग में बहुत ज्यादा व्यस्त थी। इस वक्त मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, क्योंकि दिवाली मतलब हमारे यहाँ पे काली पूजा तो होता ही है, उसके साथ हर कोई अपने घर को लाइट से सजाता है, तो लगभग हमारे मोहल्ले के हर एक घर में लाइट लग चुकी है। मेरे घर में अभी तक नहीं है, बस थोड़ा सा है, मैंने आपको दिखाया, बेटा दोपहर में लगा रहा था लाइट। देखिए हर किसी के घर में कितना खूबसूरत लाइट लगा हुआ है। अब तो मैं घर से ही आपको ऐसे दिखा सकती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। जब ये है मेरे घर का तो तुलसी बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। ओ, 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 ओ
और अब हमारा घर देखिए। हर एक के घर में लाइटिंग हो चुकी है, लेकिन मेरे घर के अलावा, मेरे घर में लाइटिंग जो लोग लगाएंगे उन वही लोग बिजी है, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। तो बेटे ने तो फिर भी थोड़ी सी की है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। हस्बैंड को तो आप देखते ही हैं, सुबह जाते हैं और रात को आते हैं, तो उन्हें भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है छुट्टी के दिन के अलावा। तो सबके घर में लाइटिंग हुई है, मेरे घर के अलावा हमारे मोहल्ले में। तो खैर कोई बात नहीं, शायद कल हो जाए। अभी मैं बना रही हूँ रात के लिए रोटी। तो लगभग बज चुके हैं 10:30। रोटी कंप्लीट करके हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है और मैं इस वक्त आप लोगों को दिख रही हूँ। टेबल जो है वो अभी तक गंदा पड़ा हुआ है, वो मैं आपको दिखाना नहीं चाहती हूँ। और इसके बाद सब कुछ क्लीन करके हम लोग सो जाएंगे। नहीं, इसके बाद सब कुछ क्लीन करके हम लोग थोड़ी बातें करेंगे और फिर सो जाएंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।